بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون काबिल एहतराम बुजुर्गों, प्यारे भाई और दोस्तों, अल्लाह जल जलालुम ने वालों ने इस पूरे आलम को अपने कुदरत से बनाया है। इसके बनाने में हफ्ताला शानों ने किसी से मदद नहीं ली और किसी से मशवरा नहीं किया। तने तनहा रब्बुल इज्जत ने अपने कुदरत से इस जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, दरिया, पहाड़ और उसके अंदर की सारी मखलूकात को अल्लाह ने अपने कुदरत से बनाया और इसके बनाने के बाद में हफ्ताला शानहु के फुल कंट्रोल में कोई चीज भी अल्लाह के काबू से बाहर नहीं है। जमीन, आसमान, उसके अंदर की सारी मखलूकात, ये सब का सब अल्लाह की कंट्रोल में, पकड़ में। और जब तक अल्लाह चाहते हैं वहां तक पूरा निजाम अल्लाह चलाते हैं। लेकिन इन तमाम मखलूकात में हफ्ताला शाहों ने इस इंसान को मुखातब करके ये कहा है कि देख, मैंने तुझे बनाया है और बड़ी इज्जत से बनाया है और तुझको मेरे लिए बनाया है और पूरी कायनात जो है ये मैंने तेरे लिए बनाई है। जमीन तेरे लिए, आसमान तेरे लिए, सूरज तेरे लिए, चांद तेरे लिए, दरिया तेरे लिए, पहाड़ तेरे लिए, छोटे छोटे कीड़े ये तेरे लिए और बड़े बड़े जानवर ये तेरे लिए। अब जैसे जैसे तुझे समझ आती जाएगी वैसे तू समझेगा कि कौन सी चीज को मैंने तेरे लिए क्यों बनाया। लेकिन खुलासा ये सारी मखलूक मैंने तेरे लिए बनाई है और इसको मैंने मुसख्खर कर दिया। जमीन को मैंने मुसख्खर कर दिया, इस पर तू 100 इंसान 100 मंजिला बिल्डिंग बना ले, ये एहतजाज नहीं कर सकते। इसके अंदर में बोरिंग करके 5000 फीट नीचे तक इंसान चला जाए, ये जमीन एहतजाज नहीं कर सकती। ये इतना बड़ा सूरज है लेकिन इसे कह दिया है। आज की तारीख में जितने घंटे, जितने बजकर, जितने मिनट और जितने सेकंड पर ये निकला है, अगले साल की तारीख पर उसे उसी वक्त निकलना हो, ये अपनी मर्जी से कोई दिन आगे पीछे या अपनी मर्जी से नहीं निकल सकते। अब इन सारी चीजों को बनाने के बाद हफ्ताला शाहों ने मेन इंसान को बनाया है और इस इंसान से ये कह दिया है कि दुनियावी पूरे निजाम को मैंने तेरे साथ जोड़ा है, तेरे बदन से निकलने वाले आमाल पर ये पूरी दुनिया का निजाम चले। तेरे आमाल अच्छे होंगे, दुनिया में बरकतें आएगी, तेरे घर में बरकत आएगी, तेरे खानदान में बरकत आएगी। तेरे आमाल अच्छे होंगे तो हर फर्द तुम में का इज्जत से रहेगा, तेरे आमाल अच्छे होंगे तो तुम्हारे आपस में मोहब्बतें होगी, तो तेरे आमाल अच्छे हैं तो जमीन अपनी बरकतों को बाहर निकालेगी, आसमान अपनी बरकतों को उतारेगा, जमीन और आसमान की बरकतों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। और अगर तूने अपने आप को कंट्रोल में न रखा और अपनी मनमानी पर तू चला तो जमीन का दावा तेरा होगा कि ये मेरी है, लेकिन ये जमीन तुझे दसाने से पीछे नहीं रह सकती। माल के होते हुए, पैसों के होते हुए, दौलत के होते हुए, बिल्डिंगों के होते हुए, बैंक बैलेंस के होते हुए, सारी सहूलतों के होते हुए तू टेंशन में होगा, तू परेशानी में होगा, जिंदगी तेरी मैं तंग कर दूंगा। इसलिए हफ्ताला शाहों ने इस पूरे जमीन व आसमान के निजाम को इंसान के बदन से निकलने वाले आमाल के साथ जोड़ा है। जिंदगी हफ्ताला शाहों क्या चाहते हैं,
कि मैंने इस दुनिया में मैं खुद तुझे लाया हूं ए इंसान। किसी इंसान से पूछा नहीं गया कि साहब तुझे जाना है नहीं जाना, तुझे दुनिया में जाना है, हम में से किसी से नहीं पूछा गया। जाना है तो कहां जाना है, तुझे अरब में पैदा होना है, तुझे अफ्रीका में पैदा होना है, तुझे एशिया में पैदा होना है, हम में से किसी से नहीं पूछा। कौन सी जबान वालों के पास तुझे जाना है, उर्दू बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, गुजराती बोलने वाले, मलयालम बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले, अरबी बोलने वाले, ये हमसे नहीं पूछा। उसने जो मुनासिब समझा वो हम पूछे। कौन से इंसानों में तुझे पैदा होना है, गोरों में पैदा होना है, कालों में पैदा होना है, गंदुमी रंग के लोगों में पैदा होना है, हमसे नहीं पूछा। उसने जहां मुनासिब समझा पैदा किया। कौन से घर में तुझे पैदा होना है, ताजिर के घर में पैदा होना है, वजीर के घर में पैदा होना है, खेती वाले के घर में पैदा होना है, शहर में पैदा होना है, गांवड़े में पैदा होना है, ये हमसे नहीं पूछा। उसने अपनी मर्जी से जो चीज जहां मुनासिब जिसको समझा वहां पैदा किया है। और इनमें की ये सारी चीजें जो है, इन चीजों पर इस इंसान के बनने कामयाबी और नाकामी का दारो मदार नहीं रखा। काला होना कोई नाकामी नहीं, गोरा होना कोई कामयाबी नहीं, अरबी बोलना कोई कामयाबी नहीं, और गुजरात और हिंदी बोलना कोई नाकामी नहीं। मालदार के घर में पैदा होना कोई कामयाबी नहीं है, और गरीब के घर में पैदा होना कोई नाकामी नहीं है। ये सारी वो चीजें हैं कि जिसका कामयाबी नाकामी से कोई ताल्लुक नहीं है। हक ताला शानों ने दुनिया में भेजा है, फिर इसके जाने के वक्त भी हमसे नहीं पूछा गया। हम कितने साल यहां रहेंगे, कितने महीने यहां रहेंगे, कितने दिन यहां रहेंगे, हमसे नहीं पूछा। जिस दिन जाना होगा उस दिन भी हमसे नहीं पूछा जाएगा कि जाना है कि रहना है। जब तक उसके नजदीक मसलियत होगी वहां तक रखेगा, और जिस दिन उसको यह है कि भाई इसको उठा लेना है, तो उसने पहले से जमीन और आसमान के बनने से 50,000 साल पहले फैसला कर दिया है कि किसको इस जमीन को छोड़कर कब जाना है। अब इंसान की कामयाबी की बुनियाद हक ताला शानों ने कि इंसान मैंने तुझे आजमाइश के लिए पैदा किया है, ये दुनिया तेरी आजमाइश, साफ लंके की चोट हक ताला शानों ने कह दिया। और आजमाइश क्या है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मुख्तलिफ हालात पर मैं तुझे रखूंगा। यहां दुनिया है, कभी सर्दी होगी, कभी गर्मी होगी, कभी फक्र होगा, कभी गिना होगा, कभी तंदुरुस्त होगा, कभी बीमार होगा, कभी अकलियत में आ जाएगा, कभी मेजोरिटी में होगा, सारे हालात तुझ पर आएंगे। और इन हालात में बस ये है कि तू क्या करता है, आजमाइश में तेरी करूंगा इस दुनिया में। अगर तूने अपने आप को मैंने जैसे कहा वैसे रखा तो कामयाब है, तूने अपने आप को कंट्रोल में रखा कामयाब है। मैं जिसको आइडियल बनाकर मैं तुझे दे रहा हूं, उस आइडियल को अपना आइडियल बना करके, अपना इमाम बना करके तू चलता रहा तो मैं तुझे कामयाब कर दूंगा। और अगर यहां तूने अपनी मनमानी की, जी चाहे की, कौमी रिवाज, लोगों के रिवाज, रसूम रिवाज के पीछे अगर तू चला तो फिर ये तेरी यहां की जिंदगी तो मैं तंग कर दूंगा, लेकिन फिर हर मरने के बाद सारे आजाबात तेरे ऊपर मुसल्लत हो जाए। इसलिए हक ताला शानहू ने हमारी कामयाबी के लिए, हमको नवाजने के लिए अपना दीन दिया। और हमारे लिए आइडल क्या है, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आइडल, आप हमारे इमाम हैं। जिंदगी के तमाम शोबों में, जवानी में, बुढ़ापे में, जिंदगी में, मौत के वक्त में, दुनिया से जाने में, हर चीज में कहा बस ये है, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना बनाकर तू चलेगा तो तुझे दुनिया में भी बरकतों के दरवाजे में खोल दूंगा, जमीन और आसमान की बरकतों के दरवाजे में तुझे खोल दूंगा तुझ पर, जबकि तेरी जिंदगी में ईमान और तकवा होगा।
और अगर तूने मुझे भूल गया मेरे अवामिर को, मेरे अहकाम को, मेरी बताए मेरे नबी के जरिए से बताए हुए तरीके को अगर तू भूल गया, तो तू माल वाला हो, पैसे वाला हो, दौलत वाला हो, मुल्क वाला हो, बड़े ओहदे वाला हो, तो कोई भी हो, तूने मेरे अवामिर से एराज किया। वमन आरदा दिक्री फैन लहू मईशत दरका, जिसने मेरे अहकाम से एराज किया मैं उसकी जिंदगी को तंग कर। मेरे काबिल एहतराम बुजुर्ग और प्यारे भाइयों, ये जिंदगी है हमारी, इस जिंदगी है, इस जिंदगी में हमारी कामयाबी और हमारे मसाइल का हल अल्लाह ने दीन में रखा है। इसलिए कुरान पाक में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर मिनल जिन्नति वन्नास ये पूरे 30 पारों में हक तआला शारहों ने इन्हीं चीजों को बताया है। तू ये करेगा तो मैं ये करूंगा, तो सच बोलेगा मैं ये करूंगा, तो किसी की हमदर्दी में वो खड़ा होगा मैं ये करूंगा, तो भला काम करेगा मैं ये करूंगा, तो खैर खाई करेगा मैं ये करूंगा, तो लोगों के साथ अच्छे अखलाक बरतेगा मैं ये करूंगा, और अगर तूने झूठ बोला तो मैं ये करूंगा, अगर तूने खयानत की तो मैं ये करूंगा, अगर तूने अल्लाह को बुला दिया, मुझे बुला दिया, तो फिर मैं ये करूंगा। पूरे कुरान में कहीं खुदा ने कायनात की चीजों पर बहस नहीं, पूरे कुरान में कहीं लोहे पर बहस नहीं, कहीं लकड़ी पर बहस नहीं, कहीं जमीनों पर बहस नहीं, इन्हीं चीजों को लिया है। और फिर हक तआला शानहू ने दुनिया के बड़े बड़े लोग जो इस दुनिया से गुजर करके गए उन दोनों की जिंदगियों को सामने रखा है, जो मुल्क वालों फिरौन जैसा आदमी, लेकिन हमने क्यों उजाड़ा उसे, मूसा अलैहि सलाम को क्यों आबाद किया, नमरूद को हमने क्यों उजाड़ा, इब्राहिम अलैहि सलाम को क्यों आबाद किया, शुएब अलैहि सलाम को सलाम की कौम, नाफरमान कौम जो मंडियों की मालिक थी, तिजारत की नहीं मंडियों की मालिक थी जिसके हाथ में, उसको हमने क्यों उजाड़ा, और शुएब अलैहि सलाम को हमने कैसे कामयाब किया। कौम सभा जो बागात वाले कौम थी और जबरदस्त बागात वाले कौम थी, हमने उन्हें क्यों उजाड़ा। कौम आद बड़ी ताकतवर कौम थी, क्यों हमने उसे उठाकर पटक पटक करके क्यों मारा। जिंदगी असाफ, जितने भी शोबे दुनिया में चलते हैं उन तमाम शोबों के मुतालिक कह दिया, ये गुजरे और हमको यूं इन्होंने ये हमारे कहने पर न चले, हमने इन सारी चीजों के होते हुए कैसे उजाड़ा। आज पूरी दुनिया परेशान है, हर एक परेशान है, परेशानी के असबाब दूर करने की पूरी कोशिश की जाती है और राहतों के असबाब इतने हैं। आज से 80 साल पहले कोई बूढ़ा मरा हो और आज दुनिया में आएगा तो इस दुनिया की तरक्की को देखकर पागल हो जाएगा। हर चीज की सहूलतें हो गई, क्या था क्या नहीं, सारे असबाब पैदा होने के बाद आज जमीन की पीठ पर जितना इंसान परेशान है, शायद इससे पहले तारीख में कभी परेशान, जितना अपने आप को बेबस महसूस कर रहा है, इससे पहले शायद कभी, सारी दुनिया देख रही है। इन तमाम मसाइल का हल चाहे कितना भी सर फोड़ ले कोई, दीन के अलावा इन मसाइल का हल कोई नहीं, इसलिए अल्लाह ने जिंदगी गुजारने के रास्ते दिए। इसमें से खाना पीना ये हमारी जरूरियात है, जैसे खाना हमारी जरूरत है, जैसे पीना हमारी जरूरत है, वैसे जब बच्चे की उम्र हो जाए तो फिर जोड़ा उसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है। भूख लगे तो अल्लाह ने खाना पैदा किया है, प्यास लगे तो पानी पैदा किया है, गर्मी लगे तो गर्मी से बचने के असबाब पैदा किए हैं, सर्दी लगे तो सर्दी से बचने के असबाब पैदा किए हैं। वैसे इंसान की जरूरतों में से निकाह जरूरत, इसलिए माँ बाप से ये कहा गया है, माँ बाप से ये कहा गया है कि तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि जब ये निकाह की उम्र को पहुंचे तो इसका निकाह करो, इसकी जरूरत है, अपनी मर्जी से नहीं। जी चाह तो 35 साल में, जी चाह तो 30 साल में नहीं, लड़का और लड़की की उम्र है, इस उम्र पर उसका निकाह, ये उसकी जरूरतों में से है और उसके मां बाप पर। ये निकाह जो है
ये क्या है? आज बहुत बड़ा मसला, मैं अपनी हर बात में हर जगह तकरीबन ये कहता आया हूं कि हमें हमसे बहुत सी चीजों में दुनिया में मुगालता हुआ। जैसे नमाज इबादत है तो पूरी दुनिया में जहां भी पढ़ी जाएगी नमाज एक ही तरीके की होगी। क्यों? ये कौमी चीज नहीं है, तो फुला कौम की चीज है तो उसकी ये नमाज, इसकी ऐसी नमाज, उसकी ऐसी नमाज। नमाज अल्लाह की तरफ से इबादत है और उसका तरीका भी अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से इस उम्मत को दिखाया। ये तरीका है। रोजा इबादत है जो सुबह सादिक से शुरू होता है, गुरूब आफ्ताब पर पूरा होता है। अब अगर दिन 8 घंटे का है तो, 12 घंटे का है तो, 15 घंटे का है तो, 18 घंटे का है तो, और बाद ममालिक में गर्मियों में ये 20 घंटे तक जाता है, सुबह सादिक से शुरू होगा गुरूब आफ्ताब तो पूरा। ये इबादत है। हज इबादत है। जैसे ये चीजें इबादत है वैसे निकाह इबादत है। हमने इसे कौमी चीज बना लिया। जब कौमियत को सामने रखकर निकाह को किया जाता है तो निकाह का मकसद, निकाह का हेतु जो है वो मुतासर हो जाता है। और इबादत उसका तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से अपनी उम्मत को बताया और समझा समझा कर बताया। एक एक चीज मोहम्मद से बताई। कहा या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुम अलबात फलयतज़व्वज। ए जवानों की जमात, तुम में से जो ताकत रखता हो शादी कर ले। फइन्नहु अग़द्दु लिलबसर वअहसनु लिलफर्ज। ये तुम्हारी आंखों की भी इसमें हिफाजत है और तुम्हारी शर्मगाह की भी हिफाजत है। वह मल्लम यस्तते, अगर नहीं है तो फिर रोजे रखो। पारे ही बिस्सो मत को बताया। निकाह कहां करना, किससे करना, फिर उम्मत को समझाया। तुम कहुल मरा तो ले अरबा। 4 बुनियादें हैं जिस पर निकाह किया जाता है। कुछ लोग हसब नसब की बुनियाद पर निकाह करते हैं, हमारे खानदान की होनी चाहिए चाहे उसमें बेदीनी हो, हम ऊंचे हैं हमारे यहां से होनी चाहिए लिहाजा भी। कुछ लोगों की यह बुनियाद होती है कि जमाल हुस्न जमाल होना चाहिए, जो हुस्न जमाल को बुनियाद बनाकर के अपने बच्चे बच्चे का निकाह करते हैं। कुछ लोगों की यहां वाले माल है, माल को बुनियाद बना कर चाहे कैसी भी हो माल लेकर आए। और कुछ लोग फरमाया दीन को बुनियाद बना करके निकाह करते हैं कि बच्चा लड़का है उसमें दीनदारी होनी होगी तो मैं अपनी बेटी दूंगा, बेटा है मैं लाऊंगा किसी की बेटी को तो बुनियाद दीनदारी इस पर। और फिर अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को बड़े प्यार से मशवरा दिया कि इन 4 चीजों में तू क्या करेगा। फज फर बिजाति दीन, दीन की बुनियाद पर तू करना। यह कौमी रिवाज नहीं है, इसे समझो। फिर उम्मत को समझाया तुम में माल वाले भी होंगे, पैसे वाले भी होंगे, दौलत वाले भी होंगे। अब निकाह बुनियाद क्या है कि निकाह में बरकत आए, इसलिए दुआ भी क्या है जब मुबारकबादी देते हैं तो क्या कहते हैं? बारक अल्लाह लक, बारक अल्लाह अलैक, जमा बैनकुम बिल खैर, बरकत की दुआ देते हैं। अगर बरकत निकाह में आती है तो लड़की ने जिस बुनियाद पर निकाह किया है इसका शौहर उसके लिए आसरा बन जाता है। लड़के ने दीन की बुनियाद पर निकाह किया है तो फिर ये औरत चाहे उसके घर में पैसे है कि नहीं है लेकिन पूरी दुनिया का थका हुआ और पूरी दुनिया का परेशान हाल जब अपने घर के झोपड़े पर पहुंचता है तो फिर उसके सारे टेंशन खत्म हो जाते हैं।
तो अब बरकत है। अब बरकत चाहिए हमें, कहां मिलेगी? बड़े बड़े नामों में। दुनिया के अंधों को देखकर उनके पीछे चलने में, अंधों ने कंकोत्री शुरू की, मैंने भी कर लिया, हालांकि मेरा दादा तक नहीं जानता कंकोत्री क्या चीज होती। पता नहीं क्या क्या नए नए रिवाज दाखिल किए, क्यों दुनिया के अंधी कौमों को देखकर ही अपना इमाम बना रहा। मेरे नबी कहते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, तुझे बरकत चाहिए, तेरे बेटे की जिंदगी में बरकत आए, तेरी बेटी की जिंदगी में बरकत आए। तो फरमाया आजम उन निका है बरकत, बड़ा ही बरकत वाला निका वो है, आई सरोहू माउना, जिसमें कम से कम खर्च किया जाए। बरकत चाहिए तो यहां आ। अल्लाह के नबी ने सुम्मत को रास्ता बताया। हम अपनी नादानी से अपने घरों को बर्बाद करते हैं, अपनी नादानी से अपने बेटे की जिंदगी में हम एसिड डालते हैं। फिल्म भी बनेगी, वीडियो भी बनेगा, नाच भी होगा, क्या क्या होगा, क्यों खर्च भी करूंगा। क्या बुनियाद? दुनिया को पता चले कि मैंने अपने बेटे का निकाह किया था, मैंने दो करोड़ रुपए खर्च किए। बूढ़े तो अपने नाम को दुनिया में करने के लिए अपनी औलाद की जिंदगी में तो एसिड डाल रहा है, इसलिए फूकते का तो कौन बेटा, तेरा तो नाम हो गया दुनिया ने कुछ ने पागल तुझे कहा, कुछ नहीं कहा। दुनियादार जो होते थे, अंधे जो होंगे, वो तो कहेंगे अच्छा इतना खर्च किया, और जो दीनदार और आंख वाले होंगे उनका उस पागल ने क्या किया, अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी, तूने तो अपने बेटे का बर्बाद किया, इस निकाह में तूने पहले दिन से मुसीबत को डाला है। निकाह है क्या? एक लड़का और लड़की की जिंदगी की बुनियाद शुरू होती है। अगर ये लड़का बोला निकाह न करे, 50, 60, 70, 80 साल का मर जाएगा, खत्म हो गया। अगर बेटी का निकाह न करो लड़की का, 40, 50, 60, 70 साल में बूढ़ी होकर मर जाएगी, खत्म हो गया। लेकिन निकाह के रास्ते से अगर एक लड़का और लड़की जुड़े, आज दो है कल तीन होंगे, तीन है खुदा चार करेगा, फिर ये नवासे इनके नवासे होंगे, इनके दादा होंगे, क्या होगा, इनका नस्ल चल रही है। इन दोनों की जिंदगी की इब्तिदा है, ये इन दोनों की जिंदगी की ओपनिंग है। अब बाप इसको कर रहा है, मेरा नाम बुलंद हो और लोगों में चर्चा हो, इसलिए गुनाहों से बच्चों की जिंदगी की ओपनिंग की जा रही, नाफरमानियों से। जितने उसमें मर्द और औरतें शरीक हो रही है, जितनी मर्तबा औरत की निगाह मर्द पर पड़ी, मर्द की निगाह औरत पर पड़ी, हराम होते चले गए। अब एक दिन में, इस निकाह के दिन में लाखों ने करोड़ों हराम करके निकाह को करवा रहा। अंधा ये नहीं समझ रहा कि मैंने अपने औलाद के साथ किया। बरकत तो ये थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपने वो मुबारक रास्ता दिया है कि जिस रास्ते में इस बच्चे की जिंदगी में भी बरकत आती और इस बच्चे की जिंदगी में भी बरकत आती। फिर निकाह का मकसद पूरा होता, निकाह के मकासिद में कुरान क्या कह रहा है, लितस्कुनु इलैहा, मर्द थका हारा सुकून वहां पकड़ता है, बच्ची को सुकून अपने शौहर के पास मिलता है। बाप इसे जिंदगी भर अपने पास रखे, बच्ची के दिल का इस्तराब खत्म नहीं होता, उसे सुकून उसे शौहर के पास ही मिलेगा, और शौहर को सुकून अपनी बीवी के पास मिलेगा, और जगह नहीं मिल सकती।
इस सुकून को बर्बाद कर देगा। जब अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी की गई और इन अहकाम को तोड़ा गया तो फिर सब कुछ है, माल है, पैसा है, दौलत है, फ्लैट है, बैंक बैलेंस है, जेवरात सारे भरे हुए हैं, फ्रिज खानों से भरे हुए हैं, सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। मियां औरत का मुंह देख करके घबराता है और औरत उस मुंह उसके मुंह को देख कर घबरा, क्या हुआ? उनका तूने अल्लाह की जो परवाह की और अल्लाह के अवामिर की नहीं परवाह की तो फिर तुझे यहाँ सुकून नहीं मिल सकता। जो सुकून के लिए लाया था वो चीज तेरे लिए हम टेंशन की बना दे। बीवी से ऐसा डरेगा जैसे चुड़ैल डरा करती है और मर्द से ऐसी नफरत होगी जैसे बखाना उठाने वाले से नफरत होगी। जिंदगी अजीरन बन जाए। बुनियाद और कुछ नहीं है, माल है, पैसा है, दौलत है, डिग्री है, सब कुछ है, लेकिन बुनियाद अल्लाह के हुक्म को तोड़ा है, उसके मकसद को मारा। मेरे भाई आखिर खोल, और ये रास्ता सिर्फ ईमान वाला के पास है और ईमान वाला ही इसे समझ सकता है। जिसके पास ईमान नहीं है उसके पास में अल्लाह की बरकत और रहमत को समझने का अंतर है। इसलिए अल्लाह ने एक जिंदगी दी मेरे भाई, और हमारे तमाम मसाइल और परेशानियों का हल इधर उधर मत देखो। ये परेशानी आई है बेदीनी की वजह से और ये परेशानी आएगी जाएगी जब जब बेदीनियां खत्म हो। हमारी अपनी बस्तियों में नमाजी, क्या हाल है नमाजियों का? कितने फीसद नमाजी है? नमाज का छोड़ना अकबरुल कबाइर है। अकबरुल कबाइर का मतलब समझते हो? चोरी गुनाहे कबीरा है, जिना गुनाहे कबीरा है। ये जितने गुनाह हमारा समाज समझ रहा है ये गुनाहे कबीरा है, लेकिन ये सबसे बड़ा गुनाह नहीं। नमाज का छोड़ना ये सबसे बड़ा गुनाह। हमारी बस्ती में अभी तक 100% नमाज भी हम नहीं बना सकते, हमारे घरों में भी हम 100% नमाज भी नहीं बना सकते। कहां जाए? ये अल्लाह ने एक फिक्र की अपनी जिंदगियों में, दीन आए माशरे में, दीन आए शादियों में। नादानों की बातों पर मत चलो, दुनिया के अंधे इंसानों के पीछे भाई हम न चले। हमारा सबसे बड़ा हमदर्द और खैर खा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके अलावा हमारा कोई खैर खा नहीं। नबी की सुन्नत पे बरकत है और रहमत है। हक ताला शानो मुझे भी नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए।